कुछ दिक्कत आने लगी गाड़ी में, तो मैं वैसे ही चाहता हूँ। ये कौन सी गई थी? बढ़िया गैस थे भी। सबसे ज़्यादा रिलायबल इंजन तो यही है, जहाँ मर्जी जो सिचुएशन में ले जाओ। ये तो तूफान है, यहाँ से ना लीक हुआ था इसका गियर बॉक्स का ऑयल। चलाने में तो भी सही है ना? चलाने में ठीक है, बस वही घर के चार देख लेते हैं क्या क्या काम है। हाँ देख लो एक बार, बता दो मुझे। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे आप सब? मैं हुसैन यादव एंड भाई अब एक नई वीडियो लेके पेश हूँ आपके सामने, जो कि फ़िलहाल होने वाली अपनी कैमरे के ऊपर। काफ़ी टाइम बाद आपको दिखाऊंगा। एंड कैमरे अपनी भाई चल चुकी है 1,11,000 हाँ 1,10,980 होने वाली है, 1,11,000। तो भाई और ये गाड़ी इतना चल चुकी है, पेट्रोल है अपनी 2.5, जिनको पता नहीं है। तो फिलहाल इसमें भी एक कुछ दिक्कत आने लग गई गाड़ी में, जो कि मेरी ही गलती है। वो इसमें क्या दिक्कतें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो इसमें पीछे कह रहा हूँ, इसका जो सस्पेंशन है उससे आवाज़ आ रही है। जैसे इसमें आपको पता होगा कि इसमें ना बाकी गाड़ी से एक दो माउंटिंग इसकी एक्स्ट्रा लगती है, इसमें हाइड्रोलिक माउंटिंग्स, जो कंफर्ट आपका आता ना गाड़ी में उसकी वजह से। तो वो उसकी सब चली गई है, वो मैंने अभी दिखाई, वो मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा। लकोजी टोयोटा है ओखला में, तो मैं वहीं लेके जाऊंगा। तो सारी वो गाड़ियों को बढ़िया करते हैं, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है वहाँ पर, लैंड LC वगैरह भी वो लोग करते हैं। तो ये कैमरे भी अपनी है, बस सोच रहा कि इनको दिखा देता हूँ एक बार, उसकी मैं क्लिप आपको वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैंने वहाँ तो कुछ बोला नहीं है, मैं आके मैंने वीडियो बनाई, तो आपको मैं तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। वहाँ पे भी हमें ज़्यादा पता नहीं था, मैंने छोड़ो इनको अपना काम हम करें, तो क्या अपनी तरफ से कुछ कहना। हाँ बाकी इसमें अभी मैं आपको बता देता हूँ, वो तो आप क्लिप देख ही लोगे। बाकी इसमें मुझे अभी इसकी माउंटिंग्स चाहो वो आएगी, इसके इंजन की भाई साहब बहुत जल्दी है इसको छोड़ा। तो भाई इसकी माउंटिंग, इसकी चाहो माउंटिंग गई है आगे की जो होती है इंजन की, जो कि अपना वैसे तो मिल नहीं रही है, मुझे ओरिजिनली ही चाहिए। तो उन्होंने बताया कि आपकी डायरेक्ट इंपोर्ट होगी जापान से ही, यहाँ पे तो है नहीं कहीं में भी, तो जापान से डायरेक्ट इंपोर्ट होगा वो सामान, इसका माउंटिंग और इसके एक इंजन का टैपेट कवर कहते हैं ऊपर जो खिड़की वो सील आती है, वो भी इसकी आएगी। एंड इसका एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करना मुझे, इसका ऑटोमेटिक है ना गाड़ी, वो मुझे चेंज करना है। इसका मेन है माउंटिंग इसकी, जैसे अपने थोड़ा बहुत गड्ढे वड्ढे में जाते हैं ना, तो ये आवाज़ करती है, जो कि मुझे इरीटेट करती है। मुझे इतनी है नहीं वो मेजर आवाज़, बट मुझे लगता है यार ये गाड़ी में कोई आवाज़ पसंद नहीं है, वो भी ऐसी गाड़ी में अपनी भगाते भी जाता है ना, और थोड़ा ऑफ रोड एरिया भी आता है, इसलिए भी थोड़ा सा ये है। इसका कम्फर्ट गाड़ी का अभी भी बहुत बढ़िया है, अभी भी कोई नॉर्मल जिसको नॉलेज नहीं है गाड़ी की वो चलाएगा तो उसको बहुत अच्छी लगेगी गाड़ी कंफर्ट में। बट मैं अपने हिसाब से इसमें सोच रहा कि यार जो पहले इस पर साइलेंट था ना गाड़ी के सस्पेंशन वगैरह, कोई आवाज़ नहीं थी, तो मैं वैसे ही चाहता हूँ। ये कौन सी गई थी? ठीक है जी देखो भाई, अपनी गाड़ी बढ़िया कहते भी जेनेसिस, वाओ वो भी फोर व्हील ड्राइव G80 जेनेसिस, ये तो पहली बार देखी मैंने। किसी भाई को बस गाड़ी के बारे में बता दो, बताओ यार कैसी गाड़ी है जेनेसिस? ये तो बहुत ही रेयर दिखती है। ये हुंडई की है क्या जेनेसिस? ये देखो कितनी स्पीड में गया था एकदम। हाँ नहीं वो तो एक सेंसर्स में दिखा रहा है। हाँ साइड में कार है ना। तो भाई मैं यही कहता, फिलहाल मैं आपको उसकी वीडियो दिखाता हूँ, आप वो देखो, उसके बाद बताना क्या बताता हूँ मैं आपको क्या है। बाकी मैंने एस्टिमेट के लिए उनको बोला हुआ है, एक दो दिन का टाइम लेंगे वो बताने के लिए, तो मैं उनके ही वेट कर रहा हूँ लोकोजी टोयोटा का, कि कब बताएंगे। ठीक है तब तक हम इस गाड़ी को देखेंगे। ओके
कैमरी का काम करवाने, ये अपनी कैमरी, एक वो कैमरी हवा में है, और उससे बड़ी बात तीन तीन लैंड क्रूज़र, एक ये भी, एक ये भी, एक ये भी, तीनों जनरेशन की कैमरी का तो इंजन ही बाहर है। एम्बेसी की है, एम्बेसी नंबर। आपको कुछ कहना वीडियो पे? भाई देखो लिमोजन खटील लिंकन, लिंकन है लैको। अरे मेरे को डर नहीं, उस पर डर लगा बैठने से, लग भूत वाली गाड़ी है। मैंने गेट खोलने का मन नहीं किया, लेफ्ट हैंड पीछे सी आर वी खड़ी पुरानी। इस एंगल से देख अपनी कैमरी कैसी खड़ी है वो हवा में। इसके टायर भी मनी, टायर देख न्यू जैसे हैं, टायर देख ये भी अच्छे हैं। ये देखिए इसका इंजन, सबसे ज़्यादा रिलायबल इंजन तो यही है। जहाँ मर्जी जो सिचुएशन में ले जाओ हमेशा बढ़िया चलता रहेगा। मैं बगाता बहुत हूँ उसको, तभी मैं सोचा कि एक बार चेंज करवा लूँ टाइम से पहले। हाँ सही है। और मैं इसकी 5,000 रुपये सर्विस करवा था गाड़ी, 5,000 6,000 चलेगी और चेंज। चलाने में तो भी सही है ना? चलाने में ठीक है, मजबूरी है, घर के वाइब्रेशन सी है, और बाकी एक बार नीचे से उठा के देख लेते हैं क्या कंडीशन है। हाँ बाकी इसमें क्या हो रखा है इस कैमरे में वो बताया ना? हाँ जी ये होता है, ये इंजन है ना सर? हाँ मैं वही देख के आया हूँ। ये शॉक माउंटेड है ना? ये तो लगाई थी, ये तो कार्ड की ना ओरिजिनल की क्वालिटी अलग है, तो बाहर ले रहा हूँ तो यहाँ से ना लीक हुआ था उसका गियर बॉक्स का ऑयल, ये फिर नया पाइप डलवाया मैंने। ये मैं कह रहा हूँ ये लीक है, ये टैपेट वगैरह कैसे बदलेगी? ये तो यहीं से हो जाएगा ना? हाँ ये ऊपर से हो जाएगा, उसके लिए निकालना नहीं पड़ता है। ये तो खोल के कितना तक का आएगा ये बता दूंगा। और गाड़ी छोड़नी पड़ेगी मुझे, देख लेते हैं क्या क्या काम है। हाँ देख लो एक बार बता दो मुझे सारा का सारा, सही लगा तो मैं यहीं पर छोड़ दूंगा गाड़ी हो जाए ना काम। चलो उठाओ मोटा खर्चा भैया देंगे सारा पैसा। ये तो तूफान है, ये मेन मुझे माउंटिंग ही पता लगी है। ठीक है लीकेज भी नहीं है, नहीं है लीकेज सही है। अगर ऑयल चेंज कराना है तो फिर ये खोल के ना चैम्बर। हाँ मुझे मालूम है चेंज। हाँ ये भी लूज है, बोल्ट लूज पड़ा है, टाइट कर दो। और ये 10 फीट लॉन्ग, ये ऑयल कितना हो जाएगा चेंज इसका? जितना दिन भी आ जाएगा।